31 मार्च 2020 ये वो तारीख है जिसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो होम लोन में सब्सिडी मिल रही है उसकी कुछ कैटेगरीज बंद होने वाली है। तो अगर आपको इस योजना की 2,35,000 तक की सब्सिडी का लाभ लेना है तो आपके पास कुछ ही दिनों का टाइम बचा है। 1 जनवरी 2017 के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में कुल 3 कैटेगरीज हो गई। सबसे पहली कैटेगरी EWS या LIG ग्रुप था, दूसरी कैटेगरी थी MIG 1 और तीसरी कैटेगरी थी MIG 2। अब उस टाइम पे गवर्नमेंट ने बोला कि MIG 1 और MIG 2 जो कैटेगरीज है वो केवल 31 दिसंबर 2017 तक ही वैलिड रहेगी, उसके बाद वो वैलिड नहीं रहेगी, उसके बाद उन कैटेगरीज में आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और बोल दिया कि ये MIG 1 और MIG 2 कैटेगरी की जो सब्सिडी है वो 31 मार्च तक चालू रहेगी। ये डेड अब आने ही वाली है, यानी कि MIG कैटेगरीज की सब्सिडी अब बंद होने ही वाली है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि MIG कैटेगरीज की जो सब्सिडी थी उसकी क्या विशेषताएं थी और अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो आप क्या गवा दोगे। MIG कैटेगरीज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें लेडी की ओनरशिप का होना अनिवार्य नहीं है, यानी कि आप जो मकान ले रहे हो उसके दस्तावेज में लेडी का नाम होना अनिवार्य नहीं है। ये सबसे बड़ी विशेषता है MIG कैटेगरीज की। और दूसरी बड़ी विशेषता है MIG कैटेगरीज की और वो ये है कि MIG 1 में आपको 1722 स्क्वायर फीट तक का बड़ा आप मकान लेते हो या फ्लैट लेते हो तब तक आपको सब्सिडी मिलती है, और MIG 2 कैटेगरीज में 2152 स्क्वायर फीट बड़ा फ्लैट या बंगलोज लेते हो तब तक उसमें आपको सब्सिडी का लाभ मिलता है। तो इस चीज को हम लोग समराइज करें, अगर आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी फैमिली की सालाना आय 6 लाख से लेकर के 18 लाख के बीच में है, या अगर आपको बड़े कारपेट एरिया वाला मकान लेना है तो आपके पास कुछ ही दिनों का टाइम बचा है। अगर आपने वो टाइम गवा दिया तो आपको होम लोन की सब्सिडी जो कि 2,35,000 तक की है वो आपको नहीं मिलेगी, आप वो पैसे गवा दोगे। और अब हम लोग ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी कैटेगरीज है जो कि चालू रहने वाली है, जिनको सब्सिडी आगे जाकर भी मिलने वाली है। तो वो ग्रुप का नाम है EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और LIG ग्रुप, जिनकी फैमिलीज की सालाना आय 0 से लेकर के 6 लाख के बीच में है उनको 31 मार्च 2022 तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा और वो सब्सिडी की अमाउंट होगी 2,67,000 रुपये। लेकिन अगर आपको इस कैटेगरी के अंदर सब्सिडी का लाभ लेना है तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जिसमें से सबसे पहली बात यह है कि आप जो लोन लोगे उसकी मिनिमम अमाउंट 6 लाख की ही होनी चाहिए। 6 लाख या 6 लाख से ज्यादा की लोन अगर आप लोगे तो आपको पूरी सब्सिडी मिलेगी, वरना आपको पूरी सब्सिडी नहीं मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, आपको लेडी की ओनरशिप रखना ही है, यानी कि जो मकान आप लोगे उसमें उसके सेल डीड में यानी कि दस्तावेज में लेडी का नाम रखना ही है, तभी जाके आपको सब्सिडी मिलेगी। तीसरी बात, आप जो मकान लोगे उसका कारपेट एरिया 45 स्क्वायर फीट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, अगर वो कारपेट एरिया उससे बड़ा हुआ तो भी आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए आपको अपनी होम लोन की सब्सिडी की प्रोसेस करनी है। और हाँ, अगर आपके ग्रुप सर्कल में भी कोई ऐसा है जो अपना नया घर लेने के बारे में सोच रहा है तो आप उसे भी ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी सब्सिडी की ये अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दे।